तो अपने पास यहाँ पर आज क्विक रिवीजन स्टार्ट करें अपन। तो पहली चीज़ ये अपना लोगो है और ये अपना हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, और ये अपने पास पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने बड़े प्यार से। ठीक है, तो बड़े प्यार से ही करेंगे इसको हम सॉल्व। तो करने का प्रयास करते हैं एक बार बच्चा। विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। कैसा है क्वेश्चन? बड़ा सिंपल है। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉलिड सॉल्यूशन बेसिकली आपका एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहां पर आपका सॉल्वेंट, जहां पे आपका सॉल्वेंट जो होता है वो कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चा? सॉलिड होना चाहिए। अगर आपके पास जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड है तो उस वाली कंडीशन में हमारे पास जो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है कैसा बनता है? सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं, कुछ ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पे। तो उनमें से पहला ऑप्शन बोल रखा है यहाँ पर कि कॉपर है अपने पास, वो डिजोल्व है किसके अंदर? गोल्ड के अंदर। अब आपको ये पता होगा जी कॉपर होता है ये अपने पास कैसा होता है? सॉलिड होता है। जबकि ये भी कैसा होता है आपके पास? सॉलिड होता है। किसके अंदर डिजोल्व है? गोल्ड के अंदर। किसके अंदर? गोल्ड के अंदर। यहाँ पे जो अपना सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। कौन सा सॉल्यूशन? सॉलिड सॉल्यूशन। तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो पहला ही होना चाहिए। बट दूसरे वाले को भी देखते हैं। ग्लूकोज आपने पिया होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 और O6 होता है। अगर मेरे पास ग्लूकोज है वो वाटर के अंदर डिजोल्व है तो मेरे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। कैसा बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता। तीसरी चीज़, यहाँ पर जो कंफूर होती है जिसको हम नेफ्थलीन भी बोलते हैं, उसको हम डिजोल्व कर रहे हैं किसके अंदर? नाइट्रोजन गैस। और यहाँ पर अगर गैस आपका एक सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा आपका उसका नेचर कैसा होगा? गैसियस सॉल्यूशन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? पहला वाला, बिकॉज दोनों आपके इनकरेक्ट हैं। डी तो आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द वैल्यू ऑफ कैच फॉर ए गैस। एक कैच क्या होता है? ये अपने सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। ये अपने पास क्या होता है? हेनरीज कांस्टेंट होता है। और जो हेनरीज कांस्टेंट होता है बेसिकली वो आपका किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा कौन सी चीज़ होती है? टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। और ये तो आपको शायद ध्यान भी होगा कि हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी कैच की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये अपने क्लास के ड्यूरिंग मैंने आपको कराया था। अगर आपको हेनरीज लॉ दोबारा चाहिए तो उसके लिए आप कॉमेंट कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड, मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा भैया? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। क्या बोला है इसने? कंडक्टिविटी, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कापा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कापा। ठीक है, कप्पा है ना, KAPPA, कप्पा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पप्पा, नॉट कप्पा, है ना। तो यहाँ पर ये कप्पा होता है अपना, और कप्पा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस। क्या होता है भैया? कंडक्टेंस इनटू के सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, यही चीज़ें होती हैं। अब अपने पास जो कापा होता है, कंडक्टेंस बेसिकली आपका रिवर्सिबल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। किसका होता है भैया? रेजिस्टेंस का। तो मेरे पास सेल कांस्टेंट किसके अंदर होता है? लेंथ अपॉन के एरिया। तो लेंथ किसके अंदर लेंगे हम? सेंटीमीटर के अंदर। और दूसरा एरिया किसके अंदर होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो कापा की जो यूनिट बनेगी अपने पास 1/R क्या होता है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स। और यहाँ पर आपका सेंटीमीटर इनवर्स बनेगा, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप इसको MHO सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसके अलावा एक चीज़ और बोल सकते हैं आप इसको सीमेंस, क्योंकि जो ओम इनवर्स होता है उसको सीमेंस भी बोल सकते हैं, और इनटू के क्या बोल देंगे अपन यहाँ पर? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आपको जो आंसर गिवन कर रखा है वो आपका बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए।
डी भी आपका हो सकता है, बट मोर करेक्ट कौन सा होगा आपका, वो ए होगा, ठीक है। अगर आप बी भी सिलेक्ट करोगे, डी भी सिलेक्ट करोगे, दोनों आपके पास राइट है। बिकॉज अगर मेरे पास कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप होते हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, वो इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रोड थोड़ी नहीं होते, उनके बीच में एक वहाँ पे मीटर के अंदर मीजर करेंगे, तो इनके बीच में जो लेंथ मीजर की जाती है वो सेंटीमीटर से ही होती है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन आप मीटर में ही लगा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आगे। विच ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन, कोरिजन क्या होता है अपने पास, संक्षारण, क्या होता है बच्चा, संक्षारण, जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में जंग लगना, संक्षारण बोलते हैं ना, हिंदी में संक्षारण बोलते हैं, वैसे इसको जंग लगना बोलते हैं, रस्टिंग, क्या बोलते हैं, रस्टिंग, क्या है, रस्टिंग। और रस्टिंग किसकी वजह से होता है, ह्यूमिडिटी के वगैरह, कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन, ये आपके क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर होते हैं किसी भी मेटल के कोरिजन में। तो ट्रांसिंग ऑफ ए सिल्वर, सिल्वर का ट्रांसफर होना हो जाना, ये अगर ट्रांसफर होगा तो ये ब्लैक कलर की पड़ जाएगी, किसकी, ब्लैक कलर की। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्राउन रेड कलर बन जाता है, कैसा बन जाता है, ब्राउन रेड। और ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, अगर आपने कॉपर के मेटल्स देखे होंगे, अगर उनके अंदर जंग लगना स्टार्ट होता है तो वो कैसे कलर के हो जाते हैं, ग्रीन, कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो तीनों ही किसके एग्जाम्पल है अपने, रस्टिंग के एग्जाम्पल, किसके, रस्टिंग के। तो आपका ये तीनों ही आंसर है, ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी मॉलिकुलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बेसिकली मॉलिकुलरिटी क्या होती है, ये अपना फोर्थ चैप्टर का, जिसको सॉरी लेटेस्ट जो एडिशन है एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आता है, जहाँ पर मॉलिकुलरिटी क्या होता है, क्या चीज़, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली क्या होती है, कोलाइड करने वाले जितने भी पार्टिकल होते हैं, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उनका नंबर होता है। लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरे पास H2 है, प्लस के यहाँ पर O2 रिएक्शन गिव्स H2, तो यहाँ पर एक मोल इसका, तो जिसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है अपने पास, दो, कितनी है, दो। अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मेरे पास N2 प्लस के 3H2 रिएक्शन गिव्स 2NH3, तो यहाँ पर जो मॉलिकुलरिटी निकल के आ रही है वो 1 प्लस के कितनी होगी, 3। और ये आप भली बात ही जानते हैं कि अगर मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 होती है, तो जनरली ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि मेरे पास वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन हो, तो ये किसके अंदर चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर। अगर मोर देन वन स्टेप के अंदर हो रही है तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, लेकिन उसको हमने पूछा नहीं है। तो सिंपल इसने बोला है कि मॉलिकुलरिटी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, बिल्कुल। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड करेंगे, जितने मोल्स कोलाइड करेंगे, उतनी ही तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी होगी, लेकिन जीरो तो नहीं हो सकती भाई। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसा थोड़ी नहीं है कि रिएक्टेंट होगा ही नहीं, कम से कम मिनिमम उसका एक मोल तो होगा, तो यहाँ पर जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी आपकी नहीं हो सकती। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट, वट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए इन आरहेनियस इक्वेशन। जो अपने पास आरहेनियस इक्वेशन होती है, इस आरहेनियस इक्वेशन के अंदर जो ए होता है, क्या चीज, ए, जो अपने पास यहाँ पे ए होता है, इसको हम तीन नामों से बुलाते हैं, आरहेनियस फैक्टर भी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, आरहेनियस फैक्टर भी बोला जाता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी इसको बोला जाता है, और उसके बाद अपना यहाँ पर इसको फ्रेक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रेक्वेंसी फैक्टर के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। तो ये अपने पास तीनों क्या होते हैं, इसके नाम होते हैं, जो आपको यहाँ पे देख मैंने आपको बताए हैं। तो इनमें से आपको कौन सा दिख रहा है, आपको फ्रेक्वेंसी फैक्टर, टेम्परेचर तो होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर को टी से दर्शाते हैं, फ्रिक्वेंसी फैक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी को ई से दर्शाता हूँ, और कॉलिजन फ्रिक्वेंसी को किसी भी टर्म से आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, जो आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर सकता है, कौन सा ऐसा मेटल होगा। यहाँ पे देखो, कॉपर आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर मैं कॉपर की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कॉपर की ही बात करता हूँ,
तो कॉपर अपने पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सी यू प्लस के वन होती है और दूसरी होती है सी यू प्लस के टू होती है। जैसे लाइक मैंने जैसे बोला आपको सी यू टू ओ, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस का वन, और अगर मैंने सी यू ओ लिख दिया तो इसके अंदर कितना प्लस का टू, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आयरन की भी आपकी प्लस के टू होती है, जैसे प्लस के थ्री होती है जो जनरल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, स्कैंडियम। कौन सा होगा, स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आर्गन को मैंने कॉमन लिया क्योंकि ये अपनी नोबल गैस है, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 3D1 4S2। ये तो आपको पता होगा कि स्कैंडियम आपका कहाँ पर लाई करता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगी। ठीक है, ये अपने पास क्या है, इसकी एक फ्रेज है जिसकी हेल्प से आप इसको 3D सीरीज को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का कौन सा इसमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इस चीज़ को बड़े आसान तरीके से आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन कर रखा है कि विटामिन B12 क्या होता है अपने पास, क्या चीज़, विटामिन B12 क्या होता है अपने पास, ये कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है किसका, कोबाल्ट का, किसका होता है, कोबाल्ट का। क्लोरोफिल किसका होता है आपका, मैग्नीज का, मैग्नीज का, किसका होता है, मैग्नीज का। हीमोग्लोबिन किसका होता है, आयरन का। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपका, ए वाला। नेक्स्ट, विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर फिंकलस्टेन रिएक्शन। फिंकलस्टेन रिएक्शन किसकी बात कर रहा है, फिंकलस्टेन रिएक्शन की बात कर रहा है। आपको दो रिएक्शंस बताई थी मैंने, हैलोजन एक्सचेंज के बेस पर, हैलोजन एक्सचेंज के बेस पर दो रिएक्शन थी आपकी, एक तो थी फिंकलस्टेन रिएक्शन, फिंकलस्टेन रिएक्शन, और दूसरी कौन सी थी अपनी, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या थी, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन अगर किसी ने पढ़ी हो तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो आपका प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर वो सोडियम आयोडाइड बनता है। कौन सा बनता है, सोडियम आयोडाइड बनता है। ये आपकी एक नेमिंग रिएक्शन है जिसको आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ RX में मैंने इसको पढ़ाया था, हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में आपको पढ़ाया था किस तरीके से आपका एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन होता है बाय विद द हेल्प ऑफ द नेमिंग रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट अपने पास है, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन से का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सबसे कम बताइए। एक चीज ध्यान रखना, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, किसके होता है, सरफेस एरिया के। दूसरी चीज अपने पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, किसके होता है, मॉलिक्यूलर मास के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, किसके होता है, ब्रांचिंग के। तो आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि अगर आप इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर पता चल रहा होगा कि जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, एनब्यूटेन। क्या होगा, एनब्यूटेन, क्योंकि एनब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, देखो यहाँ पे क्लियर देख रहे हो आप, इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो मैं CH3 CH2 CH2 और ये अपने पास CH3। कार्बन कितना नंबर है आपका यहाँ पे, कार्बन का नंबर कितना है 4, तो 4 इंटू के 12 प्लस के हाइड्रोजन नंबर है आपका 3 to 5 to 7 3 10, तो 10 12 4 जा 48 48 और 10 58 ग्राम। ओके, 58 ग्राम। तो इसका सबसे कम यहाँ पर मोलिकुलर मास है, बाकी आप सभी में कैलकुलेट करने जाओगे, यहाँ पर भी 5 कार्बन है आपके पास, इसी के अंदर आपको 4 कार्बन देखने को मिल रहे हैं, दूसरा आपका इसके अंदर 5 कार्बन है, और इसके अंदर आपको इथोक्सी इथेन की बात कर रहा है। इथोक्सी इथेन क्या होता है, CH3 CH2 OCH2 CH3, तो ये इथोक्सी इथेन होता है। इथोक्सी इथेन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा आ रहा है इसका। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला। ओके, नेक्स्ट अपने पास 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सिनेमल्डेहाइड। सिनेमल्डेहाइड, देखो बच्चा लोगों, सिनेमल्डेहाइड क्या होता है,
बेसिकली सिनेमल्डिहाइड की अगर मैं बात करूँ तो सिनेमल्डिहाइड बेसिकली आपका यहाँ पे होता है, सॉरी सेलेक्ट करते हैं अपन यहाँ से, बार मार कर लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एच हो गया, इधर की साइड आपका एक कार्बन, इधर की साइड आपका एक कार्बन, इधर की साइड आपका कितने कार्बन हो गए, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, यहाँ पे होता है आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पर इधर की साइड होता है आपका फिनाइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, फिनाइल ग्रुप यहाँ पे होता है, ओ सॉरी ये तो इरेज हो गया, कार्बन यहाँ पर आपका ये फिनाइल ग्रुप, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन लगा देंगे सी एच, यहाँ पर भी लगा देंगे सी एच, और 1, 2, 3 हो गया ना, 1, 2, 3 एंड 4 राइट, 1, 2, 3 एंड 4 सी एच टू इस टाइप से। अब देखो ये अपने पास सिनेमल्डिहाइड होता है, अगर सिनेमल्डिहाइड का मैं यहाँ पर नंबरिंग करूँ तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन, नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और 3 पर कौन है आपका फिनाइल, कौन है 3 पर कौन है फिनाइल, उसके बाद यहाँ पर 2 पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो कितने कार्बन है यहाँ पर, प्रोब के लिए मैंने 3 लगाया, उसके बाद 2 पर आपका डबल बॉन्ड है तो 3 लगाया, उसके बाद यहाँ पर 1 पर क्या है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, और 2 डिग्री सफिक्स कितना लगा दिया, एल लगा दिया, तो नाम क्या बन गया आपका, 3 फिनाइल प्रोब टू इन वन ओल, करेक्ट आंसर इज बी, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सिम आइसोमेरिज्म एक्सिबिट प्रोपेन 1 amine एंड प्रोपेन 2 amine, बिल्कुल क्लियर है, इसको तो गांव का बच्चा बच्चा और कहता नहीं कि बड़े बूढ़े भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, किसकी बात कर रहा है, प्रोपेन 1 amine, प्रोप किसको बोलते हैं, 3 कार्बन को, तो अपन बोले CH3 CH2 CH2, और पहले कार्बन पर लगा हुआ है amine ग्रुप, और ये कौन सा आपका 1 degree amine, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये 1 degree amine है, कौन सा amine है बच्चा, 1 degree amine है अपने पास। अगर मैं प्रोपेन 2 amine की बात करूँ तो प्रोपेन 2 amine क्या होगा, CH3 CH, और सेकेंड कार्बन पर कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, 1 degree amine, और यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, CH3, दोनों में मॉलिकुलर फार्मूला सेम ही है, दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन मुझे क्या बताना है इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म यहाँ पे आएगी। अगर आप आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म अपने पास 4 प्रकार की, मैंने 5 प्रकार की पढ़ाई थी आपको, वैसे भी 6 प्रकार की होती हैं, लेकिन कौन कौन सी होती हैं इस चीज़ को ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। पहली आइसोमेरिज्म होती है अपने पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दूसरी कौन सी होती है, चैन आइसोमेरिज्म, तीसरी कौन सी होती है, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है, और चौथी कौन सी होती है अपने पास, मेटामर, और उसके बाद मेटामर, है ना, ये सभी आइसोमेरिज्म, और पोजिशन आइसोमेरिज्म भी आपकी क्या है, पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो इसके अंदर हमें बतानी है दोनों के अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म देखने को मिल रही है, क्या इनके अंदर चैन आइसोमेरिज्म है, चैन आइसोमेरिज्म, बेसिकली चैन आइसोमेरिज्म उसके अंदर होती है, CI उसके अंदर होती है जहां पे पेरेंट चेन या फिर साइड चेन के अंदर, किसके अंदर, साइड चेन के अंदर, जिसको हम सब्स्टिट्यूट में बोलते हैं, उसके अंदर हमें डिफरेंट कार्बन नंबर देखने को मिलते हैं, तो वो अपने पास CI शो कर सकती है। लेकिन अगर मैं PI की बात करूं तो PI क्या होता है, PI बेसिकली आपके मल्टीपल बॉन्ड, क्या चीज, मल्टीपल बॉन्ड, जिनको अपन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड, या फिर अपने पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में क्या हो, डिफरेंस नजर आए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और तीसरा, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करूँ तो जहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, FI बोलते हैं। तो FI तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आपको ये पता होगा कि 1 degree amine, और ये भी क्या है अपने पास, 1 degree amine है, क्या है, 1 degree amine, दोनों अपने पास फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, सेम, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल ही नहीं है। पेरेंट चेन भी कितने की है, 3 कार्बन की है, कितने की है, 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो ये चैन आइसोमेरिज्म भी नहीं हो सकती, कौन सी हो सकती है, पोजिशन आइसोमेरिज्म, बिकॉज इसमें फंक्शनल ग्रुप है जो अपने पास, वो आपका पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड पर लाई कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कौन सा होगा भैया, पोजीशन आइसोमेरिज्म, कौन सा, पोजीशन आइसोमेरिज्म।
इरेज करें इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एज ए डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड किसको बोलते हैं भैया? पहली बात तो ये जान लो, डाइसेक्राइड किसको कहते हैं? इसको आप जानते होंगे अगर आपने बायोमोलिकुल पढ़ा होगा। वैसे मुझे पूरी आशा है कि आपने पढ़ा होगा। तो डाइसेक्राइड को एक बार बता देते हैं, डाइसेक्राइड क्या होता है? डाइसेक्राइड, एस ए सी डबल सी एच ए आर आई डी ई, डाइसेक्राइड क्या होता है? डाइसेक्राइड ऐसा होता है, जब मैं डाइसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो मेरे पास दो यूनिट मिलती है मोनोसेक्राइड की। किसकी? मोनोसेक्राइड की। अब ये मोनोसेक्राइड क्या होता है? ये बेसिकली जैसा ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक इसी प्रकार से, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर उसका कोई भी यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हो, ब्रेक नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मोनोसेक्राइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, बहुत सारे बताए थे मैंने आपको, गेटरेक्सल, एक ट्रिक बताई थी मैंने आपकी मोनोसेक्राइड की, गेटरेक्सल, गेटरेक्सल, और यहाँ पर क्या था? आग अमित, आग अमित। ठीक है, ये आपके ट्रिक थी, ग्लिसरेल्डिहाइड, एथ्रियोज, थ्रियोज, राइबोज, एराइबो, एराइनोबोज, और उसके बाद लिक्सोज, जाइलोज, है ना, ये आपके पास सभी थे। क्या थे आपके पास? ये मोनोसेक्राइड थे। डाइसेक्राइड अपने पास तीन ही पढ़े थे हमने, एक तो पढ़ा था अपना कौन सा, एक तो पढ़ा था अपने पास सुक्रोज, दूसरा आपका कौन सा था? माल्टोज, और तीसरा कौन सा था अपने पास? तीसरा कौन सा था? लैक्टोज, जिसको अपन मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। इट इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ मिल्क शुगर। ओके, तो आप डिसाइड कर लीजिए सुक्रोज आपका डाइसेक्राइड होगा। बाकी आपने राइबोज बोला, माल्टोज बोला, लैक्टोज, जिसने नोट बोला है इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये अपने पास नोट की बात कर रहा है। तो सुक्रोज भी अपने पास एक डाइसेक्राइड की कैटेगरी के अंदर आता है, दूसरा आपका माल्टोज भी आता है, और तीसरा लैक्टोज भी होता है, जिसको अपन मिल्क शुगर के नाम से बोलते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये भी क्या अपने पास? मिल्क शुगर है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका? राइबोज, बिकॉज ये अपने पास मोनोसेक्राइड है। क्या है? मोनोसेक्राइड। ओके, तो अवर करेक्ट आंसर दैट इज बी, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी तीनों आपके डाइसेक्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन ए ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर सबसे आसान क्वेश्चन, और इसको बचपन से ही अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज इसके पीछे कोई भी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। और बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर आपको ये क्लियर देखने को मिलेगा कि विटामिन के ही हमारे पास, जिसमें अपना प्रोथ्रोम्बिन होता है, अगर बायोलॉजिकल स्टूडेंट हैं आप, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको इसका आंसर पहले से ही पता होगा बहुत टाइम से, यानी इतिहास नहीं बता रहा मैं तुम्हें, बहुत टाइम से, मतलब 11th क्लास से ही पता होगा, अगर आपने तुमने 11th के अंदर बायोलॉजी ली है। तो अब बायोलॉजी के अंदर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये खतरनाक, कभी बताऊंगा कि ये खतरनाक कैसे होते हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक चल रहा है तो उसको कम्प्लीट करने दीजिए, बिकॉज ऐसी चीज़ें, रेवलेंट चीज़ें घुसड़ जाएंगी तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा मैं।